हाय, मैं रिकी शर्मा और आप तो जानते हैं मेरा चैनल जो भी है। आज वीडियो में मेरे साथ हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज का जो सीन हुआ अभी तक, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राज, एक दोस्त और है जिसका नाम प्रशांत, ठीक है। इनसे डिस्कशन हुआ और बोलते कि हम आज भाई डिसीजन लिया फाइनली कि शूटिंग करेंगे, 15-15 मिनट की दो मूवी बनानी है, ठीक है। तो फाइनल करके कॉल किया इधर दाएँ बाएँ, तो हमारी मैडम ये हैं जो मेकअप आर्टिस्ट, ये भी तैयार हुई। मैडम आ गई लोकेशन पे सबसे पहले, और उसके बाद में क्या होता है कि जिससे हमने बात की थी उसने कहा था कि आ जाओ लोकेशन पे, ओके ठीक है। तो जिसकी लोकेशन थी पता नहीं उसने मना किया, क्या हुआ काम सारा खराब हो गया। और जो हमारी जो मॉडल है दूसरी जिया, वो रास्ते में है और एक मॉडल है उसको भी होल्ड कर दिया, मतलब कि ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि अगर मैं इनको बोलता कि ऐसी बात हुई है वगैरह वगैरह की, तो इनको यकीन नहीं होता जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन इनकी आंखों के सामने ये चीज़ हुई है तो शायद इनको विश्वास हो, राइट या रॉन्ग, है ना। तो आपको कैसा लगा कि आज जो ये मेरे साथ सीन हुआ है, पहली बार हम तैयारी की थी और हम तो आए दूर से, वो तो जब हम एडजस्ट करेंगे परिवार वालों को बोलेंगे, पर जो आपका नुकसान हुआ है इस चीज को लेके, वो हमें बहुत बुरा लगा। बुरा एक्चुअली ये होता कि अगर आप जैसे कि बगैर काम के वापस आते हैं, ठीक है, जो दूसरे मॉडल है ये भी है, तो क्या होता कि यार बंदा की वैल्यू नहीं है मार्केट में, है ना। एक जो होती है बंदे की फेस वैल्यू, जुबान की वैल्यू, ये चीज़ें होती हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी जेब में पैसा होना हो, अगर आपकी वैल्यू है ना, तो आपका काम करती रहती है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे दोस्त हैं, एक 4 साल पुराना है, एक 8-10 साल पुराना, ठीक है। और देखते हैं अभी क्या हुआ क्या नहीं, इन्हें तो पता चल चुका इस चीज़ का। बट जब हम भी कोई भी काम शुरू कर देते हैं यार, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती ही होती हैं। और बाद में अगर देखते हैं एंड उनका जो होता है वो अच्छा ही होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत कुछ सिखाती है। अभी मेरा टाइम ख़राब हो ही रहा है और मैडम का भी तो चली गया, समझ लो दूसरी मॉडल आएगी उसका चली गया, है ना, है ना। आपका तो चालू है और मेरा कंटेंट बनो या ना बनो वो मायने नहीं रखता, है ना, क्योंकि आप लोगों का मेरे को करना ही पड़ेगा जैसा भी है। तो यार आज 15 अगस्त का मैंने नाइट का सोचा था, नाइट का मैंने इसलिए सोचा था कि यार मैं काम करता रहता हूँ ट्रांसपोर्ट का जो भी है, ठीक है, और मैं नाइट में भी एक्टिव रहता हूँ लगभग, तो मैं दिन में भी नहीं सो पाता, रात में नहीं सो पाता, फ़ोन इतने बजते हैं जिसकी हद नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। आज 15 अगस्त है इसलिए, और ये जो फ्लैट है ऐसा, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, तो दूसरी बात ये लगी मेरे को। और दिन भर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो मैं थोड़ा सा जस्ट शेयर किया, शेयर इसलिए किया कि कुछ बंदे इस तरह कंटेंट वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर उनको थोड़ा समझ में आया कि यार ऐसी चीज़ भी हो सकती है हमारे साथ में। और दूसरी बात ये कि यार मैं जब चैनल करता था ना, तो चैनल को बहुत हल्के में लेता था। आज मुझे पता लग रहा है कि एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बनाने के लिए, जिसमें सस्ते से कलाकार लगा लो, कलाकार सस्ते क्या बोलूँ, मतलब कि नॉर्मल से बंदे, उनको लेके अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो कितना खर्चा आता है, कैसे क्या होता है। तो चैनलों से भी सॉरी बोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं सीरियस लेता नहीं था। वो मेरे को फ्लाइट देते थे, बड़े होटल देते थे, और कपड़े पहनने के लिए वो देते थे, प्लस पैसे देते थे, फिर भी मैं चैनल को अहमियत नहीं देता था। बट आज एहसास हुआ इस बात का, जब बंदा खुद करता ना तो पता लगता है। तब एक चीज़ ये है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों को डांटते हैं, और बच्चे पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, और बच्चे जब खुद पेरेंट्स से बढ़ जाते हैं ना, मम्मी पापा बन जाते हैं, तब उनको समझ में आता है यार मम्मी पापा वो सही डांटते थे। तो कहने का मतलब आपने सर ये बहुत अच्छी बात कही, आपने न्यूज़ के जरिए एक ये भी बात कही कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को कितना मेंटेन करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बट उनके बच्चे जो समझ नहीं पाते, जब उन पर पड़ती है ना, जब वो एक माँ बाप बनते हैं उस टाइम पे उन्हें समझ आता है कि हमारे माँ बाप अच्छा बोलते हैं, सही कहते थे, लेकिन वो टाइम निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं गलत हम ही हैं, और टाइम के अनुसार गलत हैं। हमारे माँ बाप हमें समझाते थे शायद, और समझा भी रहे, तो हम नहीं समझते, आगे क्या कि हमारे बच्चे नहीं समझते, है ना। ये चीज़ सभी के साथ ही ऐसे ही चलता रहता है। तो काफ़ी मैंने चीज़ें देखी हैं,
और अच्छा भी लग रहा है यार, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। बट गिव अप करना भी एक मुझे लगता है कि बेकार ही बात है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को देख के अगर हम गिव अप करते हैं इस तरह का होता है तो बेकार ही है। ये मेरा, मैं इसको क्या बोलूँगा जी, मेरा ब्लॉग है या मेरी जानकारी है या मेरा अनुभव है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त 2023 मेरे को याद रहेगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी का मैंने जो लैपटॉप लिया सिर्फ यूट्यूब के लिए लिया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं कि कैमरा भी दिखाऊंगा, मेरे पास जो चीज़ है सीरीज में आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। और जिस एक घंटा है पीछे, उस भाई का नाम बोल जाता हूँ बार बार यार, ठीक है, बड़ा साइलेंट सा रहता है, नाम नहीं बोलूँगा, चिंता मत कर, मेरे को वैसे भी याद नहीं है। तो ये भाई मिला, ठीक है, और डिसेंट बंदा लग रहा है मेरे को, ये समझदार बंदा है और बात भी सही कर रहा है। जो भी मैंने बात की थी पहली बार भी जो हमारी बात हुई थी, मतलब कि सही है, ना तो फेंकने वाला बंदा ना बकवास करने वाला, मतलब वेरी नाइस पर्सन। और देखते हैं कि हमारी अगर बात हुई तो आपस में हम वीडियो भी साथ में करेंगे, क्योंकि बंदे का नेचर पसंद आता है, तो बंदा काम भी करता है। तो ये भाई मेरे साथ शायद वीडियो में आके हम बनाएंगे, कुछ कंटेंट बनाएंगे, तो मेरी तरफ से तो हाँ रहेगी, सही बनता है ना, तो होल्ड कर दो, वो ब्रेक कर दो, सपोज कर दो।